आपने पहला ब्लॉग तो देख लिया होगा भोलेनाथ जी वाला, अब आगे वाला ब्लॉग देखिए। अब तो दूसरा दिन है हमारे भोलेनाथ जी बनने का, आपको दिखाते हैं आज भोलेनाथ जी और भी ज्यादा सुंदर लग रहे। पंडित जी भी आ चुके हैं, पंडित जी जो है वो हमारे गांव के ही है, मतलब मामा के गांव के, इसलिए वो भी मेरे मामा ही लगते हैं। अगर मैं उनको मामा बोल दूं तो कंफ्यूज मत होना। और पूजा चालू हो चुकी है, पहले लक्ष्मी माता की पूजा होगी, उसके बाद जो है इसके बाद फिर भोलेनाथ जी का अभिषेक होगा। मम्मी को जो है पूजा के बीच में ही नींद आने लगी और मम्मी लटकने लगी सोने के लिए। परिवार के सभी जो लोग हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हैं और आस पड़ोस के लोग भी जो हैं बेलपत्री भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये जो है वो दाऊ हैं और ये बहुत ही प्यारे हैं और इनसे मैं बोल रही हूँ ताली बजाओ दाऊ। आरती जो है चालू हो चुकी है और सब लोग आरती कर रहे हैं। तो ये जो है मेरी सबसे छोटी, मतलब मेरी मम्मी की जो चाची है और मेरी नानी है और ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है। और ये मेरी मम्मी की जो बहन है और मेरी मौसी है और ये बहुत ही प्यारी है और देखिए कितनी खूबसूरत है। कल जो है ज़्यादा रूप में भोलेनाथ जी बनने वाले हैं और कल भोलेनाथ जी बनने का तीसरा दिन है, इसलिए हमारे पास साउंड सिस्टम रखा था। और कल सुंदरकांड भी होने वाला है और हमने सोचा कि रात में हनुमान चालीसा ही कर लें, हमने चालू कर दी। उठ चुकी हूँ और आज हमारे यहाँ फिर से भोलेनाथ जी जो है वो बनने वाले हैं और आज ज़्यादा रूप में बनने वाले हैं। तीन जो है कुपरे उसमें भोलेनाथ जी बनने वाले हैं और अभिषेक होने वाला है और सुंदरकांड भी होने वाला है। तो आज का दिन पूरा भक्ति में रहने वाला है, सब कुछ पूरा वीडियो आपको बताऊँगी। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नानी जैसी हो आप। खुरई का माहौल देखें, ये है खुरई जी, अपने राजेंद्र नगर के बराबर है। ये माय बहन कायरी, कायरी मोड़ी बंद कर। तीसरे दिन की भी पूजा चालू हो चुकी है, मामा मामी पूजा करने बैठ चुके हैं और पहले जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी माता की पूजा होगी और फिर अभिषेक होगा। अभी पानी दिया जा रहा है सबको पीने के लिए क्योंकि पूजा लंबी चलेगी। जितनी भी बेलपत्री रखी थी उन पे मैंने राम राम लिख दिया है, मैंने अकेले नहीं मतलब सभी लोगों ने मिलके जो है राम राम लिख दिया है और यही बेलपत्री जो है अभिषेक में भोलेनाथ पे चढ़ेंगी। आपको दिखाते हैं भोलेनाथ की एक झलक। लड़की जो है बच्ची ये भी बहुत एंजॉय कर रही है और थोड़ी देर में जो अब हमें भोलेनाथ को सिराने ले जाएंगे। गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सुंदरकांड की प्रिपरेशन हो चुकी है और साउंड सिस्टम सब तैयार हो चुका है, हमारा भंडारा भी हो चुका है, अब जो है सुंदरकांड चालू होने वाला है। Oh,
चल फिर से।